नेक्स्ट पंडाल जो है उत्तर रेलवे तरह का आने वाला है। देखिए आप लोग यहाँ पे हम लोग आए हैं भारत क्लब रेलवे कॉलोनी, पूर्वोत्तर रेलवे कॉलोनी जो कि चित्तौड़ में पड़ता है। हम लोग आए हैं रात को, लोगों ने 11 बज रहे हैं, यहाँ पे लग रहा है आरती हो रहा है और नजदीक से जल्दी दिखाते हैं आप लोग। ओम विष्णु, ओम तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति। हम और प्रियांशु और विशाल, हम तीन लोग हैं जो कि रात को निकले हैं पंडाल देखने। इस समय खाली होगा, रात्रि के समय उतना भीड़ नहीं होगा, गाड़ी कहीं भी खड़ा कर सकते हैं अपनी स्कूटी और कहीं भी हम लोग जा सकते हैं आसानी से, और इसीलिए हम लोग रात को निकले हैं और देखते हैं अब कहाँ कहाँ हम लोग देखते हैं। और हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिए आप लोग और आगे देखते रहिए, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे और दिखाते हैं। रात को बनारस घूमने का मजा ही कुछ और है, देखिए कितना आनंद है, कितना बढ़िया है। इसमें हम लोग मलदैया चौराहे पे हैं। हम लोग लौरा भी चौराहे के पास में पहुंचने वाले हैं और हम लोग जा रहे हैं चेतगंज, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे कैसा पंडाल बना है। देखिए हम लोग आ गए हैं लौराबी चौराहे पे, अब हम लोग मुड़ने वाले हैं चेतगंज की तरफ। विशाल चेतगंज की तरफ चलना, गाइस आप लोग जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा वीडियो। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मजा आएगा, देख आएगा। यहाँ बहुत भीड़ है, लोग जा रहे हैं देखने के लिए। लग रहा है कुछ आगे बहुत अच्छा सजा हुआ है, पंडाल अच्छा बना हुआ है, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप लोग देख सकते हैं रात को 12 बज रहे हैं, 12 बजे के टाइम देख लीजिए कितनी भीड़ है। हम लोग आगे से आए लेकिन उतना भीड़ इधर सही नहीं था, लेकिन इधर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और देखिए मस्ती करते हुए जा रहे हैं। अटुआ मार्केट जो हर साल बहुत बेहतरीन सस्ता था, लेकिन इस बार शायद सजा है, विशाल इसके आगे ना बहुत बढ़िया सजा हुआ है। हम आए थे ना कुछ दिन पहले तो यहाँ पे हम देखे थे, तो थोड़ा सा और आगे जाओगे ना तो आगे गाड़ी आराम से चलना, थोड़ा स्लो चलाना क्योंकि दिखाना भी है। लग रहा आगे आ गया, देखिए सजाव बजा तो आ रहा है। आगे है शायद, इस बार ना कोरोना के वजह से हमको लग रहा है ना, कोविड-19 की वजह से हमको लग रहा है नहीं इतना पंडाल लगा है, कहीं कहीं पे थोड़ा मोड़ा बहुत सजावट हुआ है, नहीं तो हर बार क्या आता था यहाँ बहुत भीड़ होता था, तुम गाड़ी लेके नहीं आ सकते थे। मैं कई बार आया लेकिन इधर उतनी जगह नहीं था, इस बार बहुत भीड़ कम है और पंडाल भी नहीं उतना सजा है।
देखिए इस बार क्या है कि कोरोना की वजह से जो है पंडाल उंडाल उतनी हम लोग रहा है पालन करने के लिए हम लोग रहा है इस बार उतनी नहीं पंडाल लगा है तो लोगों को हम लोग आ गए बदौलिया के पास आ गए और इतना दूर आए कहीं सजा हुआ नहीं मिला है। आगे यहाँ पे पंडाल है इतने दूर से हम लोग आए हैं यही एक बढ़िया पंडाल दिख रहा है और हम कोशिश करते हैं दिखाने की आपको भीड़ तो बहुत ज़्यादा है गाड़ी वाड़ी कहीं खड़ा करने की जगह और तो दिखाएँ इसी तरफ पूरे बनारस में भीड़ रहता है लेकिन वहीं से पंडाल लगा नहीं हुआ था इसकी वजह से एक जगह ही हमको लग रहा है बहुत अच्छा लगा है क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है देखिए कितना जाम है सर इधर काफ़ी भीड़ है काफ़ी भीड़ है गाड़ी पार करने की जगह नहीं है सर मैं गाड़ी सोच रहा हूँ पार कहीं मिल जाए तो उसके बाद मैं आगे आपको पंडाल दिखाऊँ
दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सनातन धर्म में कितना भीड़ लगा हुआ है। इस बार 2021 में सबसे ज़्यादा भीड़ वाली जो जगह थी वो थी सनातन धर्म, जहाँ पे दुर्गा जी का माता जी का पंडाल सजा हुआ है और बहुत भव्य यहाँ पे सजा हुआ है, बहुत बढ़िया सजा हुआ, लेकिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हैं कितना भीड़ है, कम से कम 10-15-20 मिनट तो मैं ही भीड़ में था, ठीक है, और शुरू से ही वहाँ तक पूरा बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी यहाँ पहुँचने के लिए। बीच में तो हमको रोक भी दिया गया था, लेकिन फिर बाद में हम लोग जगह खाली रहा होगा इसीलिए आने दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर माता जी का प्रतिमा है, आप लोग देख सकते हैं, और अब बहुत भीड़ है, कितनी मोबाइल है आप लोग देख सकते हैं। दुर्गा माँ जो है उनकी आँखें जो है इसमें हल्की हल्की चल रही है, मतलब प्लग जो है उनकी गिर रही है और उठ रही है, जैसे लग रहा है सच में दुर्गा माँ है, और वो धीरे धीरे मतलब कि आगे बढ़ती हैं और देखिए कैसे प्रार करती हैं, देखिए आप लोग देखते रहिएगा। आप लोग देख सकते हैं महिषासुर कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और माता जी भी कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। और इस बार जो सनातन धर्म जो है बहुत बढ़िया सजा था, सबसे अच्छा पंडाल हमको तो यही लगा, और यहाँ पे इतनी भीड़ थी और इतना तो कहीं बनारस में भीड़ ही नहीं था, सब जगह खाली खाली था, लेकिन इस बार अच्छा भीड़ इसी जगह था।